आज की वीडियो में सीखेंगे मॉडल वर्ब्स के सभी प्रयोग इन इंग्लिश स्पीकिंग। गाइस, मॉडल वर्ब्स अगर आप समझ गए तो आप अंग्रेजी बोलना तथा लिखना सभी चीजें आप समझ पाएंगे, क्योंकि मॉडल वर्ब्स काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप बोलते हैं मॉडल वर्ब्स में कैन, कूड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, ये सभी आपके मॉडल वर्ब्स हैं, जिसका कि हिंदी भी साथ साथ लिखा गया है। इन सभी का प्रयोग सीखेंगे कि इन सभी का कब प्रयोग करते हैं, किस लिए प्रयोग करते हैं, तो सारी चीजें आज की वीडियो में आप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैन का यूज। कैन का मतलब होता है सकना। सकना इसका हिंदी मीनिंग है कैन मतलब। इसका यूज क्यों किया जाता है? इसका यूज किया जाता है फॉर टेलिंग कैपेसिटी ऑफ समवन, मतलब किसी का क्षमता बताने के लिए आप कैन का यूज करते हैं। जैसे कि कैपेसिटी बताते हैं कि कोई काम करने की आपके पास क्षमता है। जैसे बोलते हैं कि मैं कार चला सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। इस प्रकार से कई सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जहां पर आप कैन का यूज कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है सबसे पहले आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर आपका कैन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल होगा हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, सेंटेंस होगा सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा वी, कैन उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या है? वर्ब यहाँ पर आपका बोलना, बोलना मतलब हो जाएगा स्पीक, और ऑब्जेक्ट में आपका अंग्रेजी के लिए आप लिख देंगे इंग्लिश। इसी प्रकार से वे लोग गली साफ कर सकते हैं, दे कैन क्लीन द स्ट्रीट। दे कैन क्लीन द स्ट्रीट मीन्स वे लोग गली साफ कर सकते हैं। तुम लोग क्रिकेट खेल सकते हो, यू कैन प्ले क्रिकेट। ऐसे काम जिसमें कैपेसिटी की बात हो कि कोई काम कर सकते हैं, आपके पास वो काम करने की कैपेसिटी है, इट मीन्स वहां पर आप यूज कर सकते हैं कैन का। इसी बार से प्रिया खाना बना सकती है, प्रिया कैन कुक फूड। प्रिया कैन कुक फूड, प्रिया खाना बना सकती है। तो सेंटेंस आपके काफी बनाए जा सकते हैं सेम तरीके से, तो सो बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। आगे आपके हैं, सबसे पहले आप समझते हैं कुड का यूज। कुड का मतलब होता है, जिससे कि हम लोग हिंदी अधिक समझते हैं, तो हिंदी से होगा आपका कि कुड मतलब हो जाएगा आपका सका या फिर पाया। अब मैटर ये है कि इसे इंग्लिश में हम क्यों यूज करते हैं, मैटर क्या है? तो मैटर ये है कि ये भी आपका बताता है कैपेसिटी किसी का, किसी भी इंसान का, किसमें? पास्ट में, मतलब कि बीते हुए कल में। तो कैसे इसका फॉर्मूला काम करेगा? सबसे पहले आपका होगा सब्जेक्ट, फिर कुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जांपल होगा जैसे मैं कार चला पाया, तो ये सका और जो पाया है ये सेंटेंस के अंत में आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं कार चला पाया, तो पाया आ गया, सेंटेंस होगा आई कुड ड्राइव अ कार। इसी प्रकार से वो पत्र लिख सका, सका या लास्ट में, तो फिर आप कुड लिखेंगे। ही कुड राइट अ लेटर। इसी प्रकार से हम लोग वहां समय पर पहुंच सके, सेंटेंस होगा वी कुड रीच देयर ऑन टाइम। वी कुड रीच हम लोग पहुंच सके, देयर वहां, ऑन टाइम मीन्स समय पर। सुमन खाना खा पाया, सुमन कुड ईट फूड। ईट मतलब हो गया आपका खाना और फूड मतलब हो गया आपका भोजन, ऐसे आप समझ सकते हैं फूड। तो इसी प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे आपके हो जाएंगे मे, और मे का मतलब हो जाएगा आपका सकना। अब कैन का भी मतलब सकना और मे का भी मतलब सकना, तो कैन का यूज क्यों किए? कैन का यूज किए कैपेसिटी बताने के लिए, और मे का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी बताने के लिए। तो आप समझ में आ गया कि कैपेसिटी अगर बताना हो तो फिर आप कैन का यूज कैसे, अगर पॉसिबिलिटी बताना हो तो फिर आप मे का यूज कैसे। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, मीन्स ऐसा एक्शन जिसमें संभावना की बात की जा रही हो, सियोरिटी नहीं हो, वहां पर आप मे का यूज करेंगे। जैसे कि आपका फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर आपका मे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल होगा आज बारिश हो सकती है, तो संभावना है आज बारिश हो सकती है, इसमें सियोरिटी उतना नहीं है, लेकिन हाँ अगर पूरा बादल गरज रहे हैं, पूरा बादल है, तो फिर आप वहां पर बोल सकते हैं
कि आज बारिश तो होगी तो वहां पर कंफर्म है, लेकिन फिर भी आप संभावना ही लगाते हैं कि आज बारिश हो सकती है। संडेस होगा इट मे रेन टुडे। इसी प्रकार से अमन यह काम कर सकता है, मतलब संभावना कि यह काम वो कर सकता है क्योंकि उस वो करने के लायक भी है। इस पर से आप समझ सकते हैं वो काम यह कर ये वो यह काम कर सकता है, मुझे पता है उसके पास स्ट्रेंथ है। तो संडेस होगा अमन मे डू दिस वर्क। कहीं ना कहीं संडेस में संभावना की बात की जाती है कि संभावना है कि वो ये काम कर सकता है। इस प्रकार से आगे इस प्रकार से मेरा भाई यहाँ आ सकता है, तो संडेस होगा माई ब्रदर मे कम हियर। माई ब्रदर मे कम हियर, संभावना है कि मेरा भाई यहाँ आ सकता है। इसी प्रकार से तुम लोग अंग्रेजी बोल सकते हो, यू मे स्पीक इंग्लिश। अब ये संभावना है कि अंग्रेजी बोल सकते हो, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू प्रैक्टिस अलॉट, इफ यू टॉक टू अदर पर्सन देन यू कैन स्पीक। इस पर से है तो आप लोग अंग्रेजी बोल सकते हो, तुम लोग अंग्रेजी बोल सकते हो, तो यू मे स्पीक इंग्लिश। संभावना की बातें की जाती है व्हेन यू वर्क अलॉट, व्हेन यू स्पीक इंग्लिश देन यू कैन स्पीक। इस प्रकार से माइट मतलब होता है शायद सकता है, इट मीन्स शायद लगाने से मतलब ये है कि इसमें श्योरिटी और बहुत कम हो। इट मीन्स इसका भी यूज आप करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए ही, लेकिन लेस पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब संभावना तो हो लेकिन बहुत कम संभावना हो, मतलब कि ना के बराबर हो, उस सेंस में आप यूज करते हैं माइट का। इससे आपका फॉर्मूला सेम तरीके से होगा, सब्जेक्ट होगा माइट, वो आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल कहता है वो शायद नदी में तैर सकता है, शायद, तो फिर आप माइट का यूज करेंगे। ही माइट स्विम इन द रिवर, ही माइट स्विम इन द रिवर, वो शायद नदी में तैर सकता है। तुम शायद मैच जीत सकते हो, इट मीन्स पॉसिबिलिटी जो है संभावना जो है बहुत ही कम है। संडेस होगा यू माइट विन द मैच, यू माइट विन द मैच, और संभावना लग रहा है कि थोड़ा अधिक है, तो फिर आप माइट के जगह पर मे का यूज कर ले, जो कि आपके सारे डाउट्स रिमूव हो जाएंगे। यू मे विन द मैच या फिर आप यू माइट विन द मैच, माइट से मतलब है पॉसिबिलिटीज होगा आपका बहुत ही कम होगा। इसी प्रकार से अमन शायद तुमसे बात कर सकता है, अमन माइट टॉक टू यू, माइट से मतलब है संभावना बहुत कम है। तो रिया शायद स्टेज पर बोल सकती है, रिया शायद स्टेज पर बोल सकती है, तो सेंटेंस होगा आपका रिया माइट स्पीक ऑन द स्टेज, रिया माइट स्पीक, रिया शायद बोल सकती है ऑन द स्टेज, स्टेज पर, मंच पर। इसी प्रकार से आगे है सेल, सेल का मतलब होता है आपका ऊ, मतलब कि हिंदी में मतलब आप ऊ से समझते हैं। अब समझते हैं इसका यूज करते क्यों है, तो गाइस इसका यूज करते हैं फॉर आस्किंग परमिशन, परमिशन लेने के लिए, इस सेंस में आप यूज करते हैं। तो परमिशन मांगने के लिए आप यूज करते हैं सेल का, जिसका के फॉर्मूला आपका सिंपल है। सबसे पहले आप लगाइए सेल, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, वो आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आप देखिए एग्जाम्पल, क्या मैं अंदर आऊं, तो आप क्या कर रहे हैं, परमिशन आप मांग रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं आप, तो आप बोल सकते हैं फॉर टेकिंग परमिशन, परमिशन आप ले रहे हैं, तो हो जाएगा सेल आई कम इन, सेल आई कम इन, इस पर हो जाएगा। क्या मैं आपका पेन लू, सेल आई टेक योर पेन, तो लू आऊ यहाँ पर ऊ का सेंस आ रहा है। इसी प्रकार से आप समझ रहे हैं कि क्या मैं यहाँ बैठू, सेल आई सिट हियर, क्या मैं आपके साथ जाऊं, सेल आई गो विद यू, इस पर आप इसका यूज करते हैं ऊ के सेंस में। इट मीन्स फॉर टेकिंग परमिशन, परमिशन लेने के लिए इसका आप यूज करते हैं। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, इंट्रोगेटिव की तरह होगा क्योंकि आप क्वेश्चन यहाँ पर पूछेंगे। आगे आपके पास सूट गाइस, और सूट का मतलब होता है चाहिए। अब इसका यूज आप सूट का यूज तो चाहिए के लिए करते हैं, लेकिन ये तो इसका हिंदी मीनिंग है, क्यों करते हैं, तो गाइस इसका यूज आप करते हैं एडवाइस के लिए, इट मीन्स सलाह के लिए। जब आपको सलाह किसी को देना हो तो फिर आप वहां पर सूट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट सूट, वो आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल होगा तुम्हें अब घर जाना चाहिए, अब सलाह दिया कि तुम्हें अब घर जाना चाहिए, तो जगह यू शुड गो टू हाउस नाउ, तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी वेल। इस पर से ये भी सभी जो सेंटेंसेस हैं कि क्या हो रहा है इसमें, इसमें सलाह देने की बातें हो रही है, फिर आप वहां पर शुड का यूज कर सकते हैं। उसे रोज टहलना चाहिए, ही शुड वॉक डेली, ही शुड वॉक, उसे टहलना चाहिए डेली, मतलब रोज। हम लोगों को अपने देश की सेवा करना चाहिए,
सेंटेंस होगा वी शुड सर्व आर कंट्री, वी शुड सर्व आर कंट्री, हम लोगों को अपने देश की सेवा करने चाहिए। मुस्कान को पत्र लिखना चाहिए, सेंटेंस होगा मुस्कान शुड राइट अ लेटर, मुस्कान शुड राइट अ लेटर, मुस्कान को पत्र लिखना चाहिए। इस पर आप सेंटेंसेस बना सकते हैं काफी इजी वे में। विल और विल का मतलब होता है गा गेगी, और इसका यूज आप कब करते हैं, इसका यूज आप करते हैं फॉर फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन के लिए आप यूज करते हैं विल को, जिसमें का आपका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट विल, वो आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल होगा मैं किताब पढ़ूंगा आई विल रीड अ बुक, वो खाना खाएगा ही विल ईट फूड, तुम लोग या तुम आम तोड़ोगे यू विल प्लक मैंगोज, तुम्हारा भाई अंग्रेजी सीखेगा योर ब्रदर विल लर्न इंग्लिश। ये सभी जो सेंटेंसेस है इसमें क्या हो रहा है, ये सभी सेंटेंसेस में बताया जा रहा है कि आपका फ्यूचर एक्शन जो है वो होने वाला है। फ्यूचर एक्शन के बारे में जो बताता है वो विल आपका बताएगा, साथ ही साथ सेल का भी यूज किया जाता था, लेकिन सेल का यूज आप फ्यूचर टेंस में नहीं किया जाता फॉर स्पीकिंग इंग्लिश गाइस। इसी प्रकार से आप आगे समझते हैं वुड, और वुड का मतलब होता है करता, करता के सेंस में इसका अलग अलग सेंस में यूज किया जाता है। समझते हैं इसका क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपका है सब्जेक्ट वुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इससे सेंटेंस आपका जो बनेगा वो सिंपल बनेगा। जैसे कि मैं आपसे बात करता आई वुड टॉक टू यू, वो आज खुद खाना पकाती सी वुड कुक फूड हर सेल्फ टूडे, सी वुड कुक फूड हर सेल्फ टूडे, वो आज खुद खाना पकाती। इसी प्रकार से यदि मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, कोई काम करता, वहां पर आप उड़ का यूज करेंगे। इसे हो जाएगा इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इसी प्रकार से यदि मैं आपसे मिलता तो आपका जरूर मदद करता, सेंटेंस होता है इफ आई मेट यू आई वुड श्योरली हेल्प यू। इस पर आप यूज कर सकते हैं वुड का काफी अलग अलग तरीके से। यहाँ पर आपका ये क्या है, इमेजिनरी सेंटेंस है, यदि मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, यहाँ पर आप काल्पनिक सेंटेंस को बना रहे हैं, यदि मैं आपसे मिलता तो आकाश मतलब कि आपका जरूर मदद करता, तो होगा मतलब क्या कि आप इमेजिनरी सेंटेंस बना रहे हैं काल्पनिक, ऐसा कि मिलता तो आपका मदद करता, मिला ही नहीं, यहाँ पर हम कल्पना कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं इस प्रकार से। सो मैंने वुड को बता रखा है काफी इजी वे में, सो आप समझ सकते हैं। मस्ट, मस्ट का मतलब होता है जरूर, चाहिए, जरूर चाहिए, अवश्य चाहिए के सेंस में, और इसका यूज आप करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग एडवाइस, इट मीन्स जब आप एडवाइस देते हैं उस समय आप इम्फेसाइज करके जब आप बोलते हैं तो वो आपका एडवाइस स्ट्रॉन्ग हो जाता है और काफी इजी वे में आप सेंटेंस को बना लेते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर, सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर मस्ट, वो आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए एग्जांपल, मुझे जरूर समय पर भोजन करना चाहिए, यहाँ पर आपका एडवाइस तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, क्योंकि जरूर या अवश्य वर्ड को आप यूज कर रहे हैं। सेंटेंस होगा आई मस्ट ईट फूड ऑन टाइम, आई मस्ट ईट फूड ऑन टाइम, इसी बार से तुम्हें जरूर टहलना चाहिए, यू मस्ट वॉक, यू मस्ट वॉक, तुम्हें जरूर टहलना चाहिए। साक्षी को जरूर अंग्रेजी बोलना चाहिए, साक्षी मस्ट स्पीक इंग्लिश, साक्षी मस्ट स्पीक इंग्लिश, साक्षी को जरूर अंग्रेजी बोलना चाहिए। इसी बार से उन लोगों को किताब पढ़ना चाहिए, अब ये जरूर तो जगह दे मस्ट रीड अ बुक, दे मस्ट रीड अ बुक, उन लोगों को जरूर किताब पढ़ना चाहिए। आगे इस पार से आपके आउट टू, और आउट टू का मतलब होता है चाहिए। अब इसका यूज आप कब करते हैं, इसका यूज करते हैं फॉर मोरल रिलीजन, इट मीन्स नैतिक धर्म को बताने के लिए, जब आप नैतिकता की आप बातें करते हैं वहां पर आप चाहिए के लिए आउट टू का यूज करते हैं। अब नैतिकता क्या होता है, सेंटेंस को बनाते समय आपको पता चल जाएगा, फॉर्मूला सिंपल है सभी के जैसा, सब्जेक्ट आउट टू आपका फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जांपल है हम लोगों को बड़ों का आदर करना चाहिए, यहाँ पर नैतिकता है, मोरलिटी है, क्या हम लोगों को बड़ों का आदर करना चाहिए, तो सेंटेंस होगा वी आउट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, वी आउट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, तुम्हें शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, यू आउट टू रिस्पेक्ट
टीचर्स, यू ऑट टू रिस्पेक्ट टीचर्स, तुम्हें शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। उसे अपने समाज के बारे में सोचना चाहिए। सेंटेंस होगा ही ऑट टू थिंक अबाउट हिज सोसाइटी, ही ऑट टू थिंक अबाउट हिज सोसाइटी, तुम्हें या उसे अपने समाज के बारे में सोचना चाहिए। इसी प्रकार से रवि को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, रवि ऑट टू सर्व हिज पेरेंट्स। इस प्रकार से आप कई से सेंटेंसेस बना सकते हैं। इन सभी सेंटेंसेस में नैतिक धर्म की बातें की गई हैं, जहां पर आप यूज कर सकते हैं आउट टू का। ऐसे जनरली हम लोग एडवाइस के लिए भी आउट टू का यूज कर लेते हैं, बट इसका यूज किया जाता है नैतिक धर्म के लिए, और सूट का यूज आप एडवाइस के लिए तो करते ही हैं, और स्ट्रांग अगर आपको एडवाइस देना हो फिर आप मस्ट का यूज कर लेते हैं। तो आउट टू का यूज करते हैं आप नैतिक धर्म बताने के लिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।